आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ में है। चलिए बात करते हैं आज की मध्य प्रदेश की अपराध की बड़ी खबरों की। शहडोल जिले में हुई रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। चाचा ने ही अपने 5 साल के मासूम भतीजे को कुल्हाड़ी से हमला कर उतारा मौत के घाट। तंबाकू देने से किया था इनकार, आक्रोशित होकर दिया वारदात को अंजाम, पुलिस ने किया गिरफ्तार। खरगोन के कसरावत में जमीनी विवाद के में खूनी संघर्ष, एक ही परिवार के 2 पक्षों के बीच विवाद। मारपीट की घटना में एक परिवार के 6 लोग घायल, उपचार जारी। मामला बलकवाड़ा थाना क्षेत्र के खलटांका चौकी क्षेत्र का। शहडोल जिले के पवन थाना क्षेत्र पर पदस्थ प्रधान आरक्षक ने मांगी रिश्वत, लोकायुक्त पुलिस ने की रंगे हाथ पकड़ने की कार्यवाही, मामले की जाँच जारी। इंदौर में पति से अलग रह रही महिला के साथ हुआ रेप, वर्ग विशेष के युवक के खिलाफ केस दर्ज, तलाश में जुटी पुलिस। उज्जैन में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला, नाबालिग भांजी से मुंह बोला मामा 3 साल से कर रहा था दुष्कर्म, पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण। भोपाल में 5 किलो गांजे के साथ युवक गिरफ्तार, पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर की कार्रवाई, आरोपित के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज। तो ये थी आज के मध्य प्रदेश की अपराध की कुछ बड़ी खबरें। लगातार अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।